ढक्कन खोल दे। मटर से भर रहे हैं, घेड़े मटर से, क्योंकि इसके बाद ये है मेरी दूसरी देवरानी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मैं संगीता स्वागत करती हूँ आपका आज के न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह के 10 बजे से, और आप देख सकते हो मैं जा रही हूँ अभी खेत। साथ में है कंडी, घीड़ा हम इसको बोलते हैं, और हाथ में है दरांती और पानी की बोतल। और अभी मैं हूँ धारे में, और धारे में से ले जाऊँगी पानी, क्योंकि मेरी देवरानी जा रखी है आगे और नाश्ता वगैरह कर लिया है। और हमारे यहाँ आजकल जो है, हमारी गढ़वाली भाषा में बोले जाते हैं घेड़ा, और घेड़ा मटर होते हैं ना, एक बारीक वाली जो दाल होती है, काली और वाइट और हरी, तीनों मिक्स होती है, तो उनको निकालने हम जा रहे हैं। तो मेरी देवरानी चली गई है, मेरे पास थोड़ा सफाई वगैरह का काम था, बच्चे थे, बच्चों को नहलाना धुलाना थोड़ा और काम हो जाता है घर में। तो नाश्ता वगैरह सबने कर लिया है, नौ भी नाश्ता करके ही गई थी। तो अभी मैं पानी भर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आज आपको खेत का नज़ारा। तो पानी मैंने भर लिया है, और ये है जो हमारा धारा है, इसको हम बोलते हैं चमोली धारा। और यहाँ से हम जब, मतलब हमारा जो ये स्रोत का पानी है, इसको ना हम कभी फिल्टर वगैरह नहीं करते हैं, ये सीधे ऊपर जंगल, मतलब पेड़ पौधों की जड़ी बूटी से ये पानी है, बांज बुरास का। तो ये नेचुरल पानी है, मतलब इसका हम कोई फिल्टर आरो नहीं करते हैं, इसको सीधे पीते हैं। तो ये देखिए, और साथ में आ रहा है मेरा किटू। किटू आ जा, आगे चल। हाँ, ये देखिए, इसने सोचा कि मतलब कोई बंदर वगैरह है, तो एकदम से चौकन्ना हो गया। ये देखो किटू, भाग किटू, भाग भाग भाग, वो देख, श्श, श्श, श्श। ये देखिए, तो मेरा किटू जो है ना, बहुत समझदार है, बहुत ही ज्यादा है ना किटू। चलो चल चल, कोई नहीं है ची, कोई नहीं है। ये देखिए, मैं खेत में पहुंच चुकी हूँ, और ये आप देख सकते हो, ये है हमारे गेहूं, जो कि अभी हरे हैं, पके नहीं हैं। तो ये हमारे खेत हैं गेहूं के, ये देखिए 3-4 खेत हमारे यहाँ पे। ये देखिए, ये भी एक पीछे वाला है, और ये है, इस बार जो है गेहूं मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब ना ज़्यादा बोलेंगे ना कम बोलेंगे, तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि ये हमारे बिना पानी वाले खेत, जिनको हम गढ़वाली भाषा में उखड़ी बोलते हैं, तो ये वाले खेत है, रोपाई वाले खेत नहीं है, रोपाई वालों में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे मंजू, जो कि घेड़े मटर निकाल रही है, और ये है हमारी दाल। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगी, क्योंकि कैमरे से इतनी दूर में नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। देखिए, इनको हम अपनी पहाड़ी भाषा में घेड़े बोलते हैं, और इनकी दाल जो है ना, बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये देखिए, मंजू निकाल रही हैं, कुछ इस तरह निकालते हैं, ये देखिए। तो ये कर रही है वैसे वैसे बात। तो ये देखिए, अभी काफ़ी है, मतलब अभी आधा से ज़्यादा खेत बचा हुआ है, आधा से ज़्यादा, मतलब हाँ अभी तो बस इतना ही हुआ है, अभी पूरा उधर तक है, उस कोने तक।
बाद हमें अभी घर भी जाना है। एक खेत जो है हमने अभी फिनिश कर लिया है, अभी दूसरा खेत बाकी है, इसको हम शाम को आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास घर में भी बहुत सारा काम है, खाना पीना बनाना है, और फिर बच्चे भी छोड़ रखे हैं क्योंकि मम्मी जी भी घर पे नहीं है, क्योंकि वो दूसरे काम से जा रखी है गाय को जंगल छोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल गए हैं घर के लिए, और अभी हम जाएंगे दूसरे वाले रास्ते से। तो ये देखे पापड़ी पर, देखिए ये है हमारा गांव नीचे, और हम आ रखे हैं ऊपर की ओर। ये आप देख सकते हो, ये हैं हमारे पहाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते। जो कि मेरी आजकल आदत बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि 6 महीने बाद खेतों में आना ना बहुत स्ट्रगलिंग वाला काम होता है, बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि पैर ना एकदम से हांफने लग जाते हैं, क्योंकि जब आदत रहती है ना तब तो कुछ भी काम आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा शुरू शुरू में दिक्कत हो जाती है। ये देखिए चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, कबड्डी पहाड़ कहाँ बैठना होता है, हाँ चल ना चल किटो, चल मेरी प्यारी गिच्ची। ओ बाप रे फ्रेंड्स, अभी आ गए हैं हम अपने घर के छत के ऊपर, जहाँ के हमने रखे हैं घेड़े मटर, हम जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए ये हैं इतने सारे हमने यहाँ पे रख दिए हैं। तो आपको बता दूँ, ये जो है ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये है मटर, जिनको हम मटर बोलते हैं, तो ये अलग हैं, ये थोड़ा बड़े साइज के होते हैं, और ये हैं घेड़े जो कि छोटे हैं जो हमने अभी लाए, तो इनको हम बोलते हैं घेड़े मटर। फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ मम्मी जी औरों को लेने, क्योंकि वो जा रखी थी थोड़ा जंगल गाय को लेने, तो उन्होंने लाई लकड़ी, तो मुझे इनको भी आधे रास्ते तक लेने गई थी। अभी बहुत थकान लग गई है घर आते ही, फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। ये देखिए ये है मेरी दूसरी देवरानी, छोटे ससुर जी औरों की बहू, जो कि ये भी आ गई है सासू जी को लेने के लिए। ये देखिए मम्मी जी, बहुत बढ़िया बार, ये आ गए चले गए स्कूल के विद्यार्थी जीवन। ये है हमारी छोटी सास जी, वो है मेरी बुआ जी, तो फ्रेंड्स अभी घर आके जो है हमने खाना पीना खा लिया है, और यहाँ पे हमने बर्तन भी धो दिए हैं, और अभी बैठे हैं थोड़ा धूप पे, क्योंकि अब धूप जाने वाली है ना, तो बहुत ठंडा लग रहा है, और जब कभी भी हम कहीं से काम करके आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाता है खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में अगले नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।